रीवा जिले में पंचायत आम चुनाव के लिए 3 चरणों तथा नगरीय निकाय के आम चुनाव के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। मतदान के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा बिना किसी बाधा के मतदान संपन्न कराने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र के अधिकारियों से सुरक्षा प्रबंधों की चर्चा की गई। कलेक्टर मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के चित्रकूट एवं प्रयागराज के अधिकारियों से चर्चा की। कलेक्टर श्री पुष्प ने कहा कि जिले के हनुमना चाक घाट त्योथर सिमरिया तथा डभौरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों में पंचायत चुनाव तथा नगरीय निकाय चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र के अधिकारियों का सहयोग आवश्यक होगा। हमारे क्षेत्र की सीमा से सटे हुए उत्तर प्रदेश के राजस्व तथा पुलिस अधिकारी चुनाव से पहले बैठक करके कानून व्यवस्था की समीक्षा कर लें, अपराधियों पर लगातार कार्यवाही की जाए। मतदान के 2 दिन पूर्व से बाहरी व्यक्ति का चुनाव क्षेत्र में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसकी निगरानी के लिए प्रमुख मार्गों में जांच नाके स्थापित करें। इनमें संबंधित क्षेत्र के मतदान से 2 दिवस पूर्व से कड़ी निगरानी की जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयार की गई कार्य योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तहसील स्तर के राजस्व और पुलिस अधिकारी संयुक्त रूप से प्रयास करके अपराधियों पर लगातार कार्यवाही करें। सीमावर्ती क्षेत्रों की शराब दुकानों में शराब की बिक्री पर निगरानी रखें। भारी मात्रा में शराब क्रय करने वाले पर कार्यवाही की जाए। बॉर्डर मीटिंग में सभी बिंदुओं पर चर्चा करके व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चित्रकूट के जिलाधीश सुप्रभात शुक्ला तथा प्रयागराज के जिलाधीश संजय ने कहा कि गत विधानसभा चुनाव में रीवा प्रशासन ने हम सबका बहुत अच्छा सहयोग किया। हम भी आपके यहाँ के निर्वाचन को निर्विघ्न संपन्न कराने में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। फरार अपराधियों की सूची का आदान प्रदान करके उनकी धरपकड़ की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा, पुलिस अधीक्षक प्रयागराज अजय कुमार तथा अन्य अधिकारी शामिल रहे।